वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आज हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो है वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? ए कांगड़ा, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सोलन। ए कांगड़ा, बी चंबा, सी कुल्लू, डी सोलन। आंसर देखते हैं। चाय की खेती के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जिला है वो कांगड़ा जिला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और उसके बाद जो है वो मंडी जिले में सबसे ज्यादा जो है वो चाय की खेती की जाती है। सर्वाधिक खेती जो है वो कांगड़ा और कांगड़ा में भी जो पालमपुर के आसपास की बेल्ट है। अगला प्रश्न, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए सोलन, बी शिमला, सी सिरमौर, डी कांगड़ा। ए सोलन, बी शिमला, सी सिरमौर, डी कांगड़ा। तो आंसर है, अदरक का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सिरमौर जिले में होता है और हिमाचल प्रदेश जो है वो अदरक के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है केरल के बाद भारत में, ठीक है। हिमाचल का स्थान दूसरा है केरल के बाद, सबसे ज्यादा अदरक केरल में पैदा होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक जो है वो सिरमौर जिले में पैदा होता है। कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन कब शुरू हुआ, ठीक है, चाय की खेती कब शुरू की गई कांगड़ा घाटी में? ए 1830, बी 1850, सी 1870, डी 1918। ए 1830, बी 1850, सी 1870, डी 1918। आंसर देखते हैं। तो 1850 के आसपास जो है वो कांगड़ा घाटी में जो है वो चाय की खेती जो है वो शुरू की गई और उसका एक तरह से व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हॉप्स की खेती किस जिले में होती है? हॉप्स की खेती किस जिले में होती है? ए लाहौल स्पीति, बी मंडी, सी कुल्लू, डी सिरमौर। ए लाहौल स्पीति, बी मंडी, सी कुल्लू, डी सिरमौर। आंसर देखते हैं। तो जो हॉप्स की खेती है वो लाहौल स्पीति जिले में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमाचल के कुल भूमि का कितने प्रतिशत पर कृषि होती है? हिमाचल का जो टोटल एरिया है तो उस टोटल एरिया में से कितने परसेंट पे जो है वो खेती की जाती है, कृषि होती है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 5%। ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 5%। आंसर देखते हैं। हिमाचल की जो कुल भूमि है उसमें से 10% भूमि पे जो है वो खेती की जाती है, यानी टोटल एरिया हिमाचल का अगर 55,673 वर्ग किलोमीटर है तो लगभग 5,500 जो वर्ग किलोमीटर एरिया है वहां पर जो है वो खेती की जाती है। सबसे कम खेती जो है वो 0.2% जो है वो लाहौल स्पीति में होती है, ठीक है। फिर है कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये किसकी किस्में हैं? ये जो किस्में हैं ना बहुत सारी पूछी जाती है, टमाटर की पूछ लेते हैं, मटर की पूछ लेते हैं, गेहूं की पूछते हैं, आम की पूछते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आलू की पूछते हैं, सेब की पूछ लेते हैं। तो कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? ए प्लम, बी आड़ू, सी आलू, डी सेब। ए प्लम, बी आड़ू, सी आलू, डी सेब। आंसर देखते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है वो आलू की किस्में हैं, ठीक है। कुफरी में जो है वो इंस्टीट्यूट भी है इसका, ठीक है। फिर है हमीरपुर जिले का जो ताल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके प्रजनन या पालन के लिए प्रसिद्ध है? ए खरगोश प्रजनन या खरगोश, ठीक है, बी बकरी प्रजनन या बकरी पालन, सी भेड़ प्रजनन या भेड़ पालन, डी मुर्गी प्रजनन या मुर्गी पालन, ठीक है। तो हमीरपुर जिले का ताल जो है, स्थान ताल, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खरगोश प्रजनन, बी बकरी प्रजनन, सी भेड़ प्रजनन या डी मुर्गी पालन। तो आंसर देखते हैं। तो हमीरपुर जिले का जो ताल है वो भेड़ प्रजनन के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। 3-4 स्थान है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, तो उसमें से हमीरपुर का ताल जो है भेड़ प्रजनन के लिए, जैसे चंबा का सरोल भी है उसमें एक। अगला प्रश्न,
हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सिंचाई परियोजना की बात की गई है। ए अम्बेटा, बी फिन्ना सिंह, सी शाहनहर, डी नदौन। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ए अम्बेटा, बी फिन्ना सिंह, सी शाहनहर, डी नदौन। आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो शाहनहर है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जल विद्युत परियोजना भी सबसे बड़ी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्न नहीं आएगा, पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है और कितने मेगावाट की है। स्वान नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना किस जिले में है? स्वान नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना किस जिले में है? वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये, स्वान नदी के ऊपर बनाया हुआ। ए हमीरपुर, बी ऊना, सी मंडी, डी सिरमौर। ए हमीरपुर, बी ऊना, सी मंडी, डी सिरमौर। आंसर देखते हैं। तो स्वान नदी जो है वो ऊना को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये ऊना में ही है स्वान नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा देश जो है इसको जो है वो प्रायोजित यानी उसको फंडिंग कर रहा है, उसकी उसको पैसा जो है कि प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जापान या जर्मनी में से कौन सा देश कर रहा है? अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एसीसी सीमेंट प्लांट है? ठीक है, एसीसी सीमेंट प्लांट किस स्थान पर है? ए बरमाणा, बी दालाघाट, सी राजमन, डी चंबा। ए बरमाणा, बी दालाघाट, सी राजमन, डी चंबा। आंसर देखते हैं। तो बरमाणा में जो है, बरमाणा बिलासपुर में जो है वो एसीसी सीमेंट प्लांट है, और दालाघाट में जो है वो अंबुजा का। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? ए नालागढ़, बी बद्दी, सी कालाम, डी महतपुर। ए नालागढ़, बी बद्दी, सी कालाम, डी महतपुर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो है वो बद्दी है। बद्दी सोलन जिले में है, नालागढ़ भी सोलन जिले में है, कालाम सिरमौर में, और महतपुर ऊना में है। बिरोजा तारपिन उद्योग कहां पर स्थित है? बिरोजा तारपिन उद्योग कहां पर स्थित है? ए नाहान, बी मंडी, सी कुल्लू, डी हमीरपुर। ए नाहान, बी मंडी, सी कुल्लू, डी हमीरपुर। आंसर देखते हैं। तो बिरोजा तारपिन उद्योग जो है वो नाहान में स्थित है, ठीक है, बिलासपुर में भी है। फिर है मोहन मिकिन्स ब्रूवरी किस स्थान पर है? मोहन मिकिन्स ब्रूवरी ये किस स्थान पर है? ए सोलन, बी मंडी, सी चंबा, डी कांगड़ा। ए सोलन, बी मंडी, सी चंबा, डी कांगड़ा। आंसर देखते हैं। तो मोहन मिकिन्स ब्रूवरी जो है वो सोलन जिले में, सोलन में है, प्रॉपर सोलन में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुई है। आजादी से पहले की बात है, बल्कि 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है, यानी 1850 से 1860 के बीच की बात है, ठीक है। अगला प्रश्न, चट्टानी नमक की खान कहां पर स्थित है? ए गुम्मा और द्रंग, बी मशोबरा, सी तिस्सा, तिस्सा चंबा में है, और डी कशलोग। ए गुम्मा और द्रंग, बी मशोबरा, सी तिस्सा, डी कशलोग। आंसर देखते हैं। पहाड़ी चट्टानी नमक की खाने जो हैं वो गुम्मा और द्रंग में है, गुम्मा द्रंग मंडी में, और ये 1841 में इसको पहली बार ढूंढा गया था, 1841 में, ठीक है। फिर है मतलब एक तरह से उत्पादन भी शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले मनरेगा शुरू हुआ? किन दो जिलों में हुआ था शुरुआत में जो मनरेगा हुआ? तो हिमाचल के दो जिले चुने गए थे, वो कौन से दो जिले थे? ए चंबा मंडी, बी मंडी कांगड़ा, सी सिरमौर और चंबा, डी सिरमौर और मंडी। ए चंबा मंडी, बी मंडी कांगड़ा, सी सिरमौर और चंबा, डी सिरमौर और मंडी। आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और चंबा में सबसे पहले जो है वो मनरेगा योजना शुरू हुई, उसके बाद दो जिलों में और बढ़ा दी गई, वर्तमान में तो सभी जिलों में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश की पूर्णतः भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है?
हिमाचल प्रदेश की अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? ए शानन, बी पार्वती, सी भाभा, डी रोंगटोंग। ए शानन, बी पार्वती, सी भाभा, डी रोंगटोंग। आंसर देखते हैं। तो जो भाभा परियोजना है, जिसको हम संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं, किन्नौर जिले में है, 120 मेगावाट की, वो हिमाचल प्रदेश की पूर्णतः भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। भाभा परियोजना भाभा नदी पे, भाभा सतलुज की सहायक नदियों में आती है। संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है इसे, 120 मेगावाट की, किन्नौर जिले में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना किस जिले में? ए कुल्लू, बी मंडी, सी शिमला, डी कांगड़ा। ए कुल्लू, बी मंडी, सी शिमला, डी कांगड़ा। आंसर देखते हैं। तो 126 मेगावाट की लारजी जल विद्युत परियोजना जो है वो कुल्लू जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी जल विद्युत परियोजना पर दूसरे राज्य का अधिकार है? ऐसी जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल में स्थित है, हिमाचल की भूमि पे स्थित है, लेकिन उसका जो स्वामित्व है वो दूसरे राज्य है, उसकी जो भी बिजली बनती है वो उस पे जो अधिकार है बिजली पे वो दूसरे राज्य का अधिकार है। ए पार्वती, बी कोल, सी शानन, डी गिरी। ए पार्वती, बी कोल, सी शानन, डी गिरी। आंसर देखते हैं। तो ये शानन प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना, और इस पे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का अधिकार है, पंजाब स्टेट का जो है उसके बिजली बोर्ड का अधिकार है इस पे। ठीक है, मंडी में है ये। फिर है चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी मंडी, सी चंबा, डी कांगड़ा। ए कुल्लू, बी मंडी, सी चंबा, डी कांगड़ा। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबा जिले में स्थित है, रावी नदी के ऊपर है। चमेरा, चमेरा वन, चमेरा टू, चमेरा तीन। चमेरा वन, ठीक है, चमेरा दो जो है वो चंबा शहर के पास ही है। ठीक है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? इसको सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता था पहले। तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू, डी चंबा। ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू, डी चंबा। आंसर देखते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ये 2 मेगावाट की है, 2 मेगावाट की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ए भुंतर, बी गग्गल, सी जुबरहट्टी, डी मंडी। ए भुंतर, बी गग्गल, सी जुबरहट्टी, डी मंडी। आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है गग्गल है, गग्गल कांगड़ा में है। भुंतर जो है वो कुल्लू में है, और जुबरहट्टी जो है वो बॉर्डर पे है शिमला सोलन के। ठीक है, शिमला के पास है। फिर शिमला कालका रेल मार्ग का छड़ी द्वारा सर्वे किसने किया था? शिमला कालका जो रेल मार्ग है उसका छड़ी द्वारा सर्वे जो है वो किसने किया था? ए एच एस हरिंगटन, बी किशन सिंह, सी भलखुराम, डी लॉर्ड कर्जन। एच एस हरिंगटन, बी किशन सिंह, सी भलखुराम, डी लॉर्ड कर्जन। आंसर देखते हैं। तो जो रेल मार्ग का छड़ी द्वारा सर्वे है वो भलखुराम ने किया था, और इस जो रेल मार्ग जो बनाया गया है उसके जो इंजीनियर थे वो एच एस हैरिंगटन थे। और जब पहली ट्रेन चली शिमला कालका मार्ग पे 1903 के आसपास, तो उसको हरी झंडी जो दिखाई थी वो लॉर्ड कर्जन ने दिखाई थी। ठीक है, और इस कालका शिमला रेल मार्ग पे लगभग 103 के आसपास सुरंगे हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? लगभग 96 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है, 103 सुरंगे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? ए शालाघाट, बी बरोग, सी समरहिल, डी कैथली घाट। ए शालाघाट, बी बरोग, सी समरहिल, डी कैथली घाट। आंसर देखते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे बड़ी जो सुरंग है वो बरोग है। बरोग सुरंग लगभग 1143 मीटर लंबी है, 1 किलोमीटर से भी लंबी सुरंग है ये, सोलन जिले में है। मणि, ये पर्यटक स्थल किसके पास स्थित है? किस
जगह के पास स्थित है। ए काजा, बी रिकांगपियो, सी रोहतांग, डी किलाड़। ए काजा, बी रिकांगपियो, सी रोहतांग, डी किलाड़। आंसर देखते हैं तो मणि पर्यटक स्थल जो है वो रोहतांग से के पास स्थित है। रोहतांग से 10 किलोमीटर पहले है ये, कुल्लू की तरफ, ठीक है, कुल्लू में है ये। रोहतांग जो है वो लाहौल स्पीति और कुल्लू के बॉर्डर पे है और मणि जो है ये कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पहले है रोहतांग से। और काजा तो आपको पता ही है, ये लाहौल स्पीति में स्पीति का हेडक्वार्टर है। और रिकांगपियो तो आपको पता ही है, मुख्यालय है किन्नौर का। और किलाड़ जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर है, चंबा में। लास्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, अब तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किसके ऊपर खर्च किया गया? ए जल विद्युत, बी सड़क निर्माण, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। ए जल विद्युत, बी सड़क निर्माण, सी स्वास्थ्य, डी शिक्षा। आंसर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो सड़क निर्माण पे खर्च किया गया। और जितना भी पंचवर्षीय योजना का पैसा था उसमें से आधा पैसा, 50% पैसा जो है वो सड़क निर्माण पे जो है वो खर्च किया जाता था। बाद में फिर जो है जल विद्युत पे खर्च किया जाने लगा, उसके बाद जो है अब सामाजिक सेवा क्षेत्र पे जो है वो खर्च किया जाने लगा, ठीक है। तो ये 25 प्रश्न थे हमारे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी जो है वो आप देखते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।